नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के मल्टी बैगर रिटर्न के बारे में। कैसे बजाज फाइनेंस मात्र 15 साल में अपने इन्वेस्टर को 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे करोड़पति बना दिया है। अगर 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए होते बजाज फाइनेंस में 15 साल के लिए 2003 से 2018 तो आपको, या 2003 से 2020 के लिए, तो आपका जो रिटर्न होता 20,000 रुपये पर वो होता 2 करोड़ रुपये से भी अधिक। तो कैसे बजाज फाइनेंस जो है अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बना दिया है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से कैसे एक मल्टी बैगर रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, और म्यूचुअल फंड से कैसे आप 15% तक का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड से भी आप कैसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम अपने चैनल पर कवर करते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने सारे कॉर्पोरेट एक्शन को लिख लिया है, इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन ज्यादा हुआ नहीं है, एक ही बार हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2016 में ही बजाज फाइनेंस स्टॉक स्प्लिट भी किया और बोनस भी दिया, सेम डे दिया 2016 में, तो एक ही बार है। तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले बता दें कि जो 2003 को हम यहां पर बेस ईयर लिए हैं, जो बेस है हमारा आधार का वर्ष है वो 2003 है, 2004-5 कुछ भी ले सकते हैं, बेस ईयर कुछ भी ले सकते हैं, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट इसमें बोनस एक ही बार दिया गया है, तो आपको इसमें रिटर्न कैलकुलेट करना कोई खास कठिन नहीं होगा। बस उस समय का शेयर का प्राइस आपको पता होना चाहिए, वहां से आप कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकालना चाहते हैं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो एक आम इन्वेस्टर है जो 10,000 रुपये 20,000 रुपये एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है उसको लेकर चलते हैं। अगर बजाज फाइनेंस में कोई 2003 में 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो उसका होता है 10 करोड़ रुपीज। जब 10,000 रुपया हमारा 1 करोड़ हो सकता है तो 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता कितना होता है 10 करोड़, क्योंकि वो 10,000 से 10 गुना है। तो आपको इस वीडियो में हम सारे लॉजिक को, सारे कंसेप्ट को समझाएंगे। सबसे पहले बता दें उस समय जो शेयर प्राइस था 2003 में शुरुआत में मार्च में 44 रुपये 45 रुपये के आसपास था, वहीं लास्ट 2003 में ये प्राइस जो है 80 रुपये तक जा चुका था। मतलब 100% का रिटर्न 2003 के शुरुआत से अंत तक में शेयर होल्डर को मिल गया था। ये सारी चीज़ें हम आपको चार्ट पर दिखाएंगे कि शेयर प्राइस वास्तव में इतना था या नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, जब शेयर प्राइस हम चार्ट पर आपको दिखाएंगे कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन एक ही बार हुआ है, एक ही दिन हुआ है, स्टॉक को स्प्लिट किया गया 10 से 5, मतलब जो हमारा शेयर है वो 5 गुना हो गया स्टॉक स्प्लिट करने से, क्योंकि 10 रुपये से फेस वैल्यू 2 हो गया, तो उसी रेशियो में शेयर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर बोनस भी उस पर दे दिया गया 1:1 का, तो आपका जो 5 का रेशियो में शेयर मल्टीप्लाई हुआ, फिर बोनस के कारण वो 5 पे 5 शेयर फ्री, मतलब आपका 1 शेयर से 10 शेयर हो गया एक ही दिन 2016 में। 1 शेयर आपका 10 शेयर हो गया, अगर 100 शेयर था आपका तो वो 10 से गुणा कर दिए 100 में, 1,000 शेयर बन गया। तो ये था कॉर्पोरेट एक्शन जो कि एक ही दिन हुआ, स्टॉक स्प्लिट और बोनस। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर हमने लिया है, मतलब 20,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो अप्रॉक्स आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर होता इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते 44 रुपया के रेट से, तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता आपका, जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, वो 454 शेयर होता। तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना का, 454 शेयर का होता है, जिसका फेस वैल्यू 10 था। अब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, 5 मतलब फेस वैल्यू 10 से 2 हो गया तो 5 गुना हो गया, ये इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहां बोनस के कारण ये 2 गुना हो गया तो 4540 शेयर हो गया, तो 4540 शेयर कुल हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो अभी इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि मतलब हमने 20,000 रुपये में 454 शेयर खरीदा था जो कि हमारा हो गया 4540 शेयर, मतलब 4540 शेयर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 के रेशियो में आपका शेयर इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ 4540 को 4923 से गुना कर दीजिए, जो कि बजाज फाइनेंस का मैक्सिमम प्राइस है 2019 में, या कहें 2020 के शुरुआत में, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपको 2,23,50,420।
तो कुल इतना का रिटर्न हो गया आपका। आप समझिए कि 2,23,00,000 इन्वेस्ट रिटर्न हुआ, तो 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए थे, इसका आधा रिटर्न होता, मतलब 1,12,00,000 के अप्रोक्स आपका रिटर्न हो जाता। अभी जो हमारा इसका करेंट प्राइस है स्टॉक का, वो थोड़ा सा कम है, 3,025 रुपीज है आज का करेंट प्राइस बजाज फाइनेंस का। तो उसके अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1,40,92,160। तो ये हमारा करेंट वैल्यू हो गया आपका बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का, अगर 20,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक करते यहाँ पर इसके हाईएस्ट प्राइस पर, तो आपका होता 2,23,00,000। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपको कभी भी स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखे, मतलब दिखे कि आपको वो काफ़ी हाई प्राइस पे जा चुका है, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट अवश्य बुक करें। तो यहाँ पर जैसे आपका रिटर्न था 2,23,00,000, तो हो सकता है 2,00,00,000 आप रिटर्न वहाँ पर बुक कर लेते, 23,00,000 आप उसमें इन्वेस्टेड रहने देते, और जैसे प्राइस फिर नीचे गया तो फिर से उस पर आप कुछ अमाउंट बाय कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे आगे के वीडियो में, कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपका इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सारी चीज़ों को हम आगे कवर करते चलेंगे धीरे धीरे। फिर यहाँ पर बात करें तो अनदर एडिशनल पे आउट एज डिविडेंट, जो एडिशनल पे आउट होगा एज ए डिविडेंट ऑफ RS 45,000 एवरी ईयर, मतलब 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और 2020 का जो डिविडेंट है उसके अनुसार कैलकुलेट करें तो 45,000 रुपया हर साल आपको डिविडेंट के रूप में प्राप्त होता। तो जितना आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, उतना तो आपको डिविडेंड के रूप में ही प्राप्त होने लगता है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, उसका पावर। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, लंबे समय के लिए किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड रहें। मतलब जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, मतलब जो जिगजैग मोशन है उसी तरह से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो आप कभी भी पैनिक होकर के तुरंत स्टॉक को सेल ना करें, पहले ही आप रिसर्च कर लें जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसमें इन्वेस्ट करें। जैसे आपने फंडामेंटली उसका एनालिसिस कर लिया, उसका आपने देख लिया फेयर वैल्यू 100 है और आपने 100 रुपीज पर शेयर को बाय कर लिया, अगर वो 90 आ जाता है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका शेयर का जो फेयर वैल्यू है 100 है, अगर वो 90 आ गया है तो उसको और आप बाय कर सकते हैं। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आप जो है कोई शॉप गए, कपड़ा खरीद के आ गए और अगले दिन फिर उसी शॉप गए, तो वहाँ पर जो आपने कपड़ा खरीदा था, जो शर्ट टी शर्ट खरीदा था, वो डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है 10%। तो और आप क्या करेंगे, और अधिक टी शर्ट और शर्ट खरीद लेंगे, ना कि जो टी शर्ट आपने खरीदा है पहले से उसको रिटर्न कर देंगे। तो मतलब जब डिस्काउंट पे मिल रहा हो स्टॉक तो आप और वहाँ पर बाय करें, ना कि वहाँ पर पैनिक होकर के आप अपने स्टॉक को सेल करें। इसलिए पहले ही आप उसके सारे फंडामेंटल एनालिसिस कर लें कि उसका फेयर वैल्यू क्या है। तो फेयर वैल्यू के लिए हम टेक्निकल चार्ट का यूज करते हैं, इसलिए टेक्निकल से बताता है किस वैल्यू पर आपको उसे बाय करना चाहिए, फंडामेंटल बताता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी कैसा है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, डोंट री इन्वेस्ट डिविडेंड इन सेम स्टॉक, मतलब डिविडेंड को री इन्वेस्ट करें लेकिन सेम स्टॉक में ना करें। अब आप जो है डिविडेंड जब आपको अच्छा अमाउंट आने लगा है तो आप दूसरे मल्टी बैगर की खोज में लग जाएं कि नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा आपका हो सकता है। लेकिन अगर लगता है कि जिस स्टॉक से आपने इतना रिटर्न प्राप्त किया वही स्टॉक आपके भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, तो आप रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे को एक ही टोकरी में नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आप जो रीइन्वेस्टमेंट करें, नेक्स्ट अगले मल्टीबैगर स्टॉक को सर्च करें, उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये था रिटर्न बजाज फाइनेंस का। चलिए इस रिटर्न को हम चार्ट पे भी देख लेते हैं, चार्ट पे भी इजिली झलक जाता है, इजिली दिख जाता है, क्योंकि इसमें जो बोनस का है और जो स्प्लिट का है वो कॉर्पोरेट एक्शन एक ही बार हुआ है, तो ये सिंपल है, चार्ट पे भी आपको दिख जाएगा। क्योंकि ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शन होने पर
जो ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो वहाँ पर जो है चार्ट पर से रिटर्न निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो बोनस का मैजिक होता है वहाँ पे छुप जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा बोनस और स्प्लिट नहीं हुआ, एक ही दिन हुआ है, एक ही बार हुआ है, तो आप इजिली चार्ट से भी इसके रिटर्न को देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट है जो कि हमने मैक्सिमम ईयर का लगाया है, जो मैक्सिमम ईयर यहाँ आपको दिखा रहा है गूगल पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2002 से हमारा ये चार्ट दिख रहा है, तो हमने तो आधार ईयर जो बेस ईयर है वो 2003 को लिया है, मतलब 2003 के शुरुआत में आप इन्वेस्ट कर सकते थे, जैसे मार्च में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मार्च से देखिए यहाँ पर हम 28 मार्च से लिए हैं 2003, यहाँ से हम जब ये अपना हाई बना रहा था बजाज फाइनेंस वहाँ तक का रिटर्न देखते हैं 1,11,071%। तो समझ सकते हैं 1,11,000% का रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस ने। और इसके अनुसार अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे 1,11,000% को, अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आप 10,000 रुपया परसेंटेज का नीचे 100 हो जाएगा, 10,000 को कट करेंगे तो 100 बचेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,11,000% को, तो आपको जो रिटर्न आएगा 1 करोड़ 11 लाख आप प्राप्त करते मात्र 10,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट पर। करंट वैल्यू के अनुसार आपका जो 10,000 रुपया पर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न होता वह 70 लाख होता, 70 लाख। तो यही समझते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब स्टॉक्स अपने हायर वैल्यू पर हो। तो सारी चीज़ें और सारी स्ट्रेटेजी आपको सीखना है जो कि हम धीरे धीरे करके आपको इस चैनल पर सिखाएंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया चार्ट पर, और प्राइस, इसका प्राइस भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन एक ही बार हुआ है, एक ही बार का कॉर्पोरेट एक्शन के प्राइस को आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कहेगा बजाज फाइनेंस पेनी स्टॉक था 2002 में, बिल्कुल गलत है। देखते हैं बजाज फाइनेंस 2002 में 5.30 रुपये था, तो इसको कॉर्पोरेट एक्शन जो 10 के रेशियो में कम किया गया है प्राइस को, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए 53 रुपीज़ का स्टॉक 2002 में पैनी स्टॉक्स नहीं हुआ करता था, वो तो बहुत ही मतलब हाई वैल्यू का स्टॉक्स होता था क्योंकि उस समय तो 50 रुपये का बहुत ज़्यादा महत्व था। अब 2000 ऐसे तरह चार में आते हैं तो देख सकते हैं 8.39 रुपीज़, 10 से मल्टीप्लाई करिए 83.90 रुपीज़ का ये स्टॉक हुआ करता था 2004 में। और फिर यहाँ पर देख लीजिए 2006 में 48.59 रुपीज़ दिखा रहा है, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 885 रुपीज़। तो समझ सकते हैं 2004 में ये 80 रुपये का था, वहाँ से चल गया 485 रुपये, 485 रुपीज़ 90 पैसा। तो समझ सकते हैं कितना तेज़ी से ये स्टॉक्स जो है उस समय भी ग्रो हो रहा था। तो और आगे चलते हैं तो फिर देख सकते हैं 2008 में इसमें का स्टॉक का प्राइस नीचे आया था, फिर देख सकते हैं 2008 में ये स्टॉक का प्राइस पूरे नीचे आ गया था, काफ़ी क्रेश हुआ था। तो मतलब 2008 में भी कोई इन्वेस्ट किया होता तो भी वो 1 मिलीनियर होता, 1 करोड़पति होता। देख सकते हैं मात्र 72 रुपीज़ का ये स्टॉक्स हो गया था उस समय भी। अब देखिए 2009 में तो ये 59 रुपीज़ का स्टॉक्स हो गया था, 2003 में भी हम बाय किए थे तो 43 रुपीज़ 45 रुपीज़ का स्टॉक्स था, 2009 में फिर से ये 59 रुपीज़ 60 रुपीज़ पर आ गया था, अब देखिए 57 रुपीज़ पर आ गया था फरवरी 2009 में। अब देखिए इस तरह से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्च 2009 में ये मात्र 51 रुपीज़ का स्टॉक्स था, 51 रुपीज़। तो 2009 में भी कोई इन्वेस्ट किया होता तो भी वो करोड़ों रुपये का रिटर्न प्राप्त करता। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आप इन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न प्राप्त करते, 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते अगर 2009 में, तो आपको 95,000% का रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस 2009 से मैक्सिमम रिटर्न। तो 95,000 तो ये हो गया आपको 1,90,00,000, 1,90,00,000 रुपया प्राप्त करते आप बजाज फाइनेंस से, 1,90,00,000। तो समझ सकते हैं इतना बड़ा रिटर्न आप 10 साल में सिर्फ प्राप्त करते अगर 2009 में भी इन्वेस्ट किए होते। तो ये था बजाज फाइनेंस का जो मैजिकल रिटर्न है उसके बारे में। तो ऐसे स्टॉक जब भी आपको गिरावट में मिलते हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए अब हम चार्ट पर देख लेते हैं क्या अभी आप बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर चार्ट पर आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का जो करेंट प्राइस है अभी 3107 रुपीज यहाँ पर दिखा रहा है, और ये देख सकते हैं 200 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके क्लोज है। 200 डे का मूविंग एवरेज है इसका 3246 रुपीज, तो 200 डे के मूविंग एवरेज के जस्ट क्लोज है। यहाँ इसको क्रॉस करता है तो काफ़ी इसमें मोमेंटम आगे देखने मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म आप जैसे 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी प्राइस ज़्यादा मतलब 500 100 ऊपर नीचे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए आप छोटे से क्वांटिटी अभी उठा सकते हैं, और फिर अगर करेक्शन आता है तो वहाँ पर आप जैसे जैसे मतलब करेक्शन आता है तो वहाँ पर आप और हैवी क्वांटिटी उठा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रूल यही है कि जब प्राइस जो है आपको हाई है तो वहाँ पर आप वेट करें, जैसे प्राइस पर करेक्शन आता है तो वहाँ पर हैवी क्वांटिटी उसमें बाय कर सकते हैं। तो अभी RSI देख सकते हैं कि ओवरबाउट सिग्नल दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिग्नल दिया था कि ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक्स, तो यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए था। तो यही इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी है, जहाँ पर ये स्टॉक्स देखते हैं काफ़ी नीचे आ चुका था ये 1800 समथिंग के आसपास, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते थे हैवी क्वान्टिटी। अब यहाँ पर आप जो है इसमें थोड़ा सा मतलब करेक्शन का वेट कर सकते हैं, या तो आगे ये कंटिन्यू कर दिया अगर मोमेंटम तो फिर आपके हाथ से ये प्राइस भी निकल जाएगा। तो इसलिए किसी भी प्राइस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। चाहे हमारा टिप्स और ट्रिक्स हो, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आपका खुद का रिसर्च नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको खुद का रिसर्च होना चाहिए। हम सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट पे आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है और आपका जो वेल्थ है वो जनरेट होता है। इक्विटी सबसे सिंपल तरीका है वेल्थ जनरेट करने का, अगर यहाँ पर आप वेल्थ जनरेट नहीं कर पाए तो कहीं नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है।